हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लूरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है, और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेज़ी में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से खासिर हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहाँ पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियाँ रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ़ आज ये जजमेंट आया है।